BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप स्पेन में जो चल रहा है उसमें कल इंडिया का 4 क्वार्टर फाइनल मैच था, जिसमें से 2 मैच इंडिया ने जीते और इसी के साथ इस टूर्नामेंट का 1 ब्रोंज और 1 सिल्वर भी इंडिया कल कंफर्म कर चुका है। सबसे पहले मेन सिंगल का क्वार्टर फाइनल में के श्रीकांत का मैच जो नेदरलैंड का मार्क कुलजो के खिलाफ था, इस मैच में के श्रीकांत ने एक तरफा बना दिया। 21-8 और 21-7 के साथ स्ट्रेट सेट के साथ ये मैच अपने नाम किया और श्रीकांत बन गया तीसरा ऐसे खिलाड़ी जो मेन सिंगल के लिए इंडिया के लिए इस वर्ल्ड चैंपियनशिप का सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर गया। अब उनका सेमीफाइनल अपना ही लोकसाय सेन के साथ आज होने वाला है। मेन सिंगल के लिए दूसरा खिलाड़ी लोकसाय सेन का क्वार्टर फाइनल चाइना का जेल जोंग के खिलाफ था। इस मैच एक लजबा मैच रहा। पहला सेट 21-15 में लोकसाय सेन अपने नाम किया, फिर सेकेंड सेट 15-21 में हार गए और थर्ड सेट में एक मैच पॉइंट को बचाते हुए 22-20 के साथ थर्ड सेट अपने नाम किया और अब सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर चुका है। अब ये सेमीफाइनल मैच अपना ही के श्रीकांत के साथ होने वाला है, तो इसी के साथ इंडिया 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज भी कन्फर्म कर गया। फिर ओमेन सिंगल के लिए एकलौता खिलाड़ी जो पीवी सिंधु, उनका मैच अभी वर्ल्ड नंबर 1 ताइवान का टीटीवाई के खिलाफ था। इस मैच में पीवी सिंधु को 17-21 और 13-21 के साथ स्ट्रेट सेट में हार गई और इस टूर्नामेंट को ख़त्म की और इसके साथ साथ 2020 एक लजबाब जो 5 वर्ल्ड टूर्नामेंट का मेडल के साथ पीवी सिंधु ने ख़त्म की है। फिर मेन सिंगल का इंडिया का तीसरा खिलाड़ी एचएस प्रणॉय, जिसका मैच सिंगापुर का लेह केनियो के खिलाफ था। इस टूर्नामेंट में अभी तक लाजवाब फॉर्म में नजर आने वाले प्रणॉय को इस मैच में वो फॉर्म नज़र नहीं आया। 14-21 और 12-21 स्ट्रेट सेट के साथ ये मैच हार गए और ये इससे पहले इस खिलाड़ी के साथ 3 बार मैच हुआ, जिसमें से दोनों बारी प्रणॉय ने जीता था लेकिन इस बार नहीं जीत पाए और इसी के साथ ये टूर्नामेंट एचएस प्रणॉय ने ख़त्म किए। तो आज सेमीफाइनल अपना ही दोनों खिलाड़ी के बीच में होने वाला है और हम लोग इसके साथ चाहते हैं कि फाइनल में जाने के बाद गोल्ड मेडल भी अपना ही खिलाड़ी जीते।